हनुमाना कहते हैं लोग इसे
ترجمة
सखियां भक्तर हैं सभी बहुत अच्छे-अच्छे 56 भोग के प्रसाद लेकर के पहुंच गए भोलेनाथ जी के दरबार और वहां का बाबा बहुत दिन हो गए तुम्हें भांग खाते खाते आज आप कुछ नया चीज खा लो उन्होंने क्या कहा ये मेरे कोई नहीं काम का तुम तो भांग ले आओ पीस करके क्योंकि गोरा माता वैसे ही परेशान रहते रहते हैं भोग तो इसके लिए कहे तो भक्तों से क्या कहा भोलेनाथ जी को क्या पसंद है क्या बात है भांग कहां से चढ़ने के लिए तैयार ही नहीं है तो भोलेनाथ जी को क्या चाहिए जरा ऐसे हाथ करो ऐसे और क्या करना नंदी कहां से सभी बोले देखिए ये भजन इसलिए गा रहा हूं कि जिन जिन के मुरादे हैं मां को बोल दो और पूरे हो गए ऐसे अगले जागरण आपके साथ मां कुछ बोल दे मां बैठी सामने खजाने तैयार बैठे हैं लेना लूटना आपका काम है ओ मां मुरादे पूरी कर दे हलवा भक्तों की यहां पर बहुत सारे संत महंत आए आदरणीय गुरु जी आए जीतू भाई जी आए मोरे जी हैं मोरे जो काली कटस रहेंगे तो क्या कहते हैं संत महंत को बुलाते मैं कराऊं जगराता
और उसी में क्या कहते हैं आइए भोलेनाथ जी के क्योंकि बड़े भक्त हैं काफी देर से भोलेनाथ जी को भजन वो सारी दुनिया हमारे Oh, my.
बच्चे बड़े होते हैं अपने हिस्से का भोजन जो करती है माँ ये सोच के खाती है कि मेरे बच्चे को कोई तकलीफ तो नहीं है जो प्रेम होता है कि माँ जब बच्चे को जरा सी तकलीफ होती है तो माँ को उससे कई गुना ज्यादा तकलीफ होती है माँ पिता अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं क्यों माँ भजन इसलिए गए हैं कि माँ नवरात्रि में आप लोगों के घर में